नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ ज्योतिष सम्मत एक नई जानकारी को लेकर के, और जानकारी है तारीख 13 सितंबर 2019 से लेकर के 28 सितंबर 2019 तक पितृ पक्ष आरंभ होने जा रहा है। पितृ पक्ष अर्थात हमारे जो वंशज हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, उनका यह पक्ष होता है, उनके निमित्त हम श्राद्ध कर्म करते हैं। वैसे तो मानव जीवन में 5 यज्ञ नित्य बताए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, कि 5 यज्ञ नियमित रूप से करने चाहिए, जिनमें एक श्राद्ध तर्पण विधि भी है। लेकिन आज के जीवन में व्यस्तता होने के कारण हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें इतना समय नहीं होता कि स्वयं का भोजन हम भलीभांति ठीक प्रकार से कर सकें, तो पितृ तर्पण करने की बात बहुत दूर है। फिर भी संध्योपासन इत्यादि कर्म करने चाहिए। लेकिन जो विशेष तिथियां हैं, यानी लगभग आश्विन माह में यह प्रारंभ होता है, कभी भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उसके पश्चात यह प्रारंभ होता है। तो इस वर्ष यह 13 सितंबर 2019 को जो प्रातः 2 घटिका के बाद अर्थात दोपहर 12:30 बजे से पूर्णिमा तिथि का आगमन होगा, और इसी के साथ पितृ पक्ष का आरंभ हो जाएगा। यह 15 दिन पितृ पद्धति की माने तो कहा जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे जो वंशज हैं, जिनकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है, वह नित्य इन 15 दिनों में हमारे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, और उनके निमित्त हम श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म में पिंडदान कर्म किया जाता है, उनकी तिथियों पर तर्पण इत्यादि किया जाता है, ब्राह्मण भोज होता है, और उनकी सदगति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सदगति के लिए अन्न वस्त्र इत्यादि दान हम करते हैं। कितना महान वैज्ञानिक की तौर पर सनातन धर्म की यह विविधता है, कितनी संस्कारित यह धर्म है कि हम जीवित रहते रहते तो सेवा करते ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति से तो हम चलते ही हैं, लेकिन मरणोपरांत भी हम अपने वंशजों को नहीं भूलते, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर हमारा आगमन हुआ है, उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वह हमारी जड़ें हैं, उन्हीं से हम अनेक शाखाओं में प्रकट हुए हैं, उन्हीं शाखाओं में से हम फलते फूलते हैं। तो हमारे पितरों का विशेषतः तौर पर पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म होता है, और यह नियमित रूप से निश्चित रूप से सभी सनातनी धर्म के लोगों को अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से वंश को आगे वृद्धि और ओजोमयी संतान प्राप्त होती है। श्राद्ध कर्म में कहते हैं जो श्राद्ध करता होता है उनकी आयु, संतान, धन, ज्ञान, स्वर्ग, मोक्ष आदि सभी सुखों की प्राप्ति उनको होती है। तो अपने पितरों के निमित्त जो भी उनकी तिथियां हैं, उन तिथियों के निमित्त आप श्राद्ध कर्म अवश्य करें। साथ ही आपको यदि आप नित्य नियमित रूप से इन 15 दिनों में श्राद्ध कर्म आप करते हैं,
नित्य तर्पण इत्यादि करते हैं। तो कहते हैं जन्म पत्रिका में यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृ दोष हो तो उस पितृ दोष से मुक्ति का यह सबसे उत्तम समय माना गया है। आप पितृ गायत्री का जप करें, जप करवाएं, पूजा पाठ करें अपने पितरों के निमित्त और अपने दिवंगत आत्माओं के निमित्त आप श्राद्ध कर्म अवश्य करें। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनके निमित्त आप यदि पितृयज्ञ करवाते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको जो आपका संतान है, जो आपके आगे वंश चलेगा, वह स्वस्थ और मुदित रहने वाला है। श्राद्ध कर्म में आप कहीं भी हो, देश विदेश में जो अक्षत तिल इत्यादि से पिंडदान किया जाता है और तर्पण इसमें किया जाता है, नित्य आपको पांच जीवों के लिए भोजन अवश्य निकालना होता है। वेद शास्त्रों में कहा गया है वनचर जो वन्य जीव हैं, गगनचर जो उड़ने वाले जीव हैं, जलचर जो जल में रहने वाले जीव हैं, सभी को आप भोजन अवश्य कराएं। उनमें मुख्यतः ब्राह्मण, गौ, श्वान, कुकुर, कौवा और चींटी का विशेष महत्व तो होता है। तो इन पांचों जीवों को आप अवश्य भोजन कराएं, इससे नित्य ही आपके घर में वृद्धि होगी, धनवृद्धि, आयुर्वृद्धि, यशो वृद्धि, यश की वृद्धि होगी, यह पितृ पद्धति कहती है। तो आप यह श्राद्ध कर्म अवश्य करें। साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि न श्राद्ध जितने भी यह पितृपक्ष जब तक चलेगा तब तक आप कोई शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस अवधि में पितृ नित्य ही हमारे धरती में संचरण करते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं वह उसे ग्रहण करते हैं, तो यह शुभ कार्य आपको वर्जित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप भी पितृ दोष से परेशान हैं तो आप पितृ गायत्री का जप अवश्य कराएं या वेद माता गायत्री का जप अवश्य कराएं। इसके लिए आप जो आपके नज़दीक में पंडित जी हैं उन लोगों से संपर्क करें, और आप यह संपर्क यदि आप दिल्ली में हैं तो यह संपर्क आप हमसे कर सकते हैं। समस्त पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अन्य किसी भी समाधान हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर अवश्य करें। नमस्कार।